नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। सीएम सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से देय 4% की डीए की किस्त देने का ऐलान किया है। साथ ही सभी लंबित मेडिकल बिल जारी करने की भी बात कही है। वहीं ओपीएस के दायरे से बाहर एनपीएस कर्मचारियों और अधिकारियों के देय डीए के भुगतान की भी सीएम ने घोषणा की है, जिससे एनपीएस के तहत 1300 कर्मियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 600 करोड़ का भार पड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन को 4 दिन पहले 28 को ही देने की घोषणा की है, जिसका भुगतान 1 नवंबर और 9 नवंबर को होना था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है, मीडिया में गलत खबरें चली हैं। वित्तीय अनुशासन के लिए जो है सरकार ने पिछले महीने कुछ आर्थिक बदलाव किए थे। हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। विपक्ष बेवजह ही कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने में लगा हुआ है। और विधानसभा सत्र के समय हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, उस स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे जिनकी सैलरीज कैश फ्लो के कारण मिसमैनेजमेंट हुई थी, उसको हमने रेगुलेट किया। और उस समय भी मैंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा था कि हमें फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस से आगे बढ़ना है और हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम अनुशासन में रह के वित्तीय स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए कई सालों से 3 करोड़ रुपया हमारी सैलरीज और पेंशन का ब्याज के रूप में जाता रहा। हमने उसको ठीक किया और उस ठीक करने के बाद हमने ये कहा कि कुछ समय के लिए हमें अपनी सैलरी और पेंशन को 2-4 दिन के लिए डिले करने का हमने प्रावधान अपने स्टेटमेंट में किया। और उसमें हमने सिंबॉलिक कहा कि जो सरकार नेतृत्व करती है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, वो सबसे पहले सिंबॉलिक 2 महीने के लिए अपनी सैलरी को नहीं देंगे ताकि वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़े। 2 महीने का हमने अधिकतम समय रखा है और 2 महीने से पहले जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अलावा मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मेरा अलग दायित्व है, मुख्यमंत्री के नाते मेरा अलग दायित्व है। परिस्थितियों को हमने बड़ी अच्छी तरह अध्ययन किया और मैं बार बार कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और इस संदर्भ में मैं आज ये कहना चाहता हूं कि दीपावली भी है और दीपावली की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं और हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की भी बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी ना किसी रूप में प्रदेश की सेवा करते रहे। पिछले कई सालों से कई चीजों के लिए वो संघर्ष करते रहे। कईयों के मेडिकल बिल कई सालों से पड़े होते हैं, मेरे पास कई बार आए कि हमारे मेडिकल बिल दिला दीजिए। हमारी सरकार ने और मंत्रिमंडल ने हमने ये फैसला किया है, सरकारी कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो भी पेंडेंसी है उसको खत्म कर दिया जाए। और दशहरा पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दशहरा पर्व को लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश और प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी है। नमस्कार।
प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को दशहरे के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और विजयदशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपना स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। आपको बता दें कि सन 1925 में आज ही के दिन स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था। सोलन में इस अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया और शहरों में अनुशासन का परिचय देने के लिए पथ संचलन किया गया, जिसमें करीब 100 के करीब स्वयंसेवकों ने शहर में पथ संचलन किया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। स्थापना का उद्देश्य भारत का जो अपना समाज है इसको संगठित करना है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी साल प्रतंत्र रहा और उसका मूल कारण ये था कि हमारा समाज जो है वो खंडित था, बंटा हुआ था। तो जैसे आज का दिन है, हम शस्त्र पूजा भी करते हैं, हम शस्त्र पूजा भी आज के दिन करते हैं विजयदशमी के दिन, और उसका कारण यही है। और हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार चोटी पर 52 वर्षों के बाद से शिरगुल महाराज के प्राचीन मंदिर में कुरूड़ की स्थापना का दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। शिरगुल जी महाराज, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, प्राचीन मंदिर में शांत महायज्ञ के पश्चात कुरूड़ स्थापना का कार्य शुरू हुआ। आज जिला शिमला और जिला सिरमौर कि बहुत ही सबसे पवित्रम स्थल चूड़धार में आज कुरुट इस मंदिर में लग रहा है, जिसका निर्माण यहाँ के स्थानीय लोगों ने, प्रशासन ने और समिति ने, जो यहाँ पर समिति है, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से एक भव्य मंदिर और यहाँ पर बहुत सारी सराहें रहने के लिए बनी है। एक भव्य मंदिर का निर्माण 12,000 फीट की हाइट में किया है, जहां पर एक व्यवस्था की, जहां तक बात है बिजली की, पानी की, रहने की, ठहरने की, खाने पीने की, सब चारों रूप से हुई है। कोई भी इस तरह की कोई हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि व्यवस्था का आनंद रहा है। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत पीसफुली, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरा जो है वो ये कार्य जो है रात को निपट गया है। आज हमारा मेन जो है ये इवेंट है, जो किशांत पर्व में लगने का जो कार्यक्रम होता है वो आज मेन कार्यक्रम है। आज यहाँ 15,000 से 20,000 आने की संभावना है। ये चूड़धार स्थान एक ऐसा है कि यहाँ की सबकी भावना जुड़ी है। पहले पहले यहाँ स्वामी शिवानंद जी रहते थे, उनका योगदान है। और पहले मंदिर था और मंदिर में ज्यादा संख्या में लोग नहीं आते थे, और अब इतनी व्यवस्था भी बन चुकी है और मंदिर भी भव्यशाल बन चुका है। यहाँ पे आज ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता शोएब जमाई ने ये उनका ये कहना है कि भारत का विशेष समुदाय हिमाचल प्रदेश के सेब न खरीदे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने ओवैसी की पार्टी के शोएब जमाई के इस बयान पर की उनकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बागवान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ओवैसी की पार्टी के एक सो कॉल्ड मौलवी ने हम बागवानों को धमकी दी है। वो कहता है जो सेब हिमाचल प्रदेश में उगता है उसे विशेष समुदाय हिंदुस्तान का ना खरीदे, माइनॉरिटीज को ना खरीदे। 5,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है, जो जीडीपी है, वो सेब कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नगरोटा बगवा तहसील के अंतर्गत आते पटवार सर्कल अंबारी में तैनात पटवारी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद अमल में लाई है। जानकारी के अनुसार नगरोटा बगवा निवासी मनोज कुमार ने इस बाबत विजिलेंस थाना धर्मशाला में शिकायत भी दर्ज करवाई थी।
ये पटवार सर्कल बाड़ी मलां के पास है। यहाँ का एक पटवारी जो है, एक मनोज कुमार जो स्थानीय निवासी है, उसका किसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए उससे 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिन मौसम साफ बना रहेगा। मौसम साफ बने रहने से आगामी दिनों में तापमान में उछाल आएगा। प्रदेश का औसतन तापमान जो है वो पहले ही सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। हालांकि रात का तापमान जरूर कम हो रहा है। मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है बीते 24 घंटों में, और आगामी देखिए 6-7 दिनों में भी प्रदेश में जो मौसम है पूरे ही मतलब क्षेत्र में मुख्यतः साफ ही रहने की संभावना है। और तापमानों की बात करें जो अभी जो दिन के तापमान है और जो अर्ली मॉर्निंग के जो न्यूनतम तापमान है पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं। जो सबसे अधिक तापमान था वो ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 35.8 डिग्री सेल्सियस, और शिमला की बात करें तो 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, मनाली में भी 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो पूरे प्रदेश में ही जो दिन के तापमान है वो सामान्य है। केवल एक स्टेशन है किलोंग जहां जो दिन का तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक चला है ओवरऑल, बट पूरे प्रदेश में जो तापमान है ये सामान्य ही है। और आगामी देखिए 4-5 दिनों में एज सच कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और जो तापमान है ये इसी रेंज में रहेंगे, मतलब जो आपके मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो प्लेनिक क्षेत्र हैं वहाँ 1-2 डिग्री अधिक रह सकते हैं, जो कि सामान्य की रेंज में आते हैं। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।